ये वायरल है, ये मेरे बातों का असर नहीं है, ये वायरल है. You want to sit? No, no, sit, sit. Producer कहता है तो बैठना पड़ता है, खड़े. Sit, take over. पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, नहीं गुड आफ्टरनून एवरीवन. मेरा गला बहुत खराब है पर मैं बोलने की कोशिश करूंगी बिना खांसे. दिया ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, थैंक यू. शूटिंग के दौरान भी हमेशा इसी तरह वो हौसला बढ़ाती थी मेरा, पूरे टीम का. तो 51 डेज में हमने शूटिंग खत्म की पर कभी लगा नहीं कि रोज उठ के हम काम पे जा रहे हैं, 12 घंटे काम कर रहे हैं, कभी गर्मी कभी ठंड कभी बारिश, पर कभी ये मेहनत का एहसास ही नहीं हुआ. ये जो दो गाने आपने देखे हैं, चार खास गानों में से ये दो है और मेरा फेवरेट ऑफ कोर्स तू है जो दूसरा गाना आपने देखा. गाना सुनते ही हम लोग गोलकुंडा फोर्ट में शूटिंग कर रहे थे तो दिया वहाँ थी नहीं, तो मैंने उनको फ़ोन किया और कहा कि जब भी, चाहे वो 80 साल की उम्र में हो या 90 या 100, उम्मीद करती हूँ उससे पहले नहीं, पर जब भी मैं ये जहाँ छोड़ूंगी उम्मीद करती हूँ कि कहीं ना कहीं दुनिया में ये गाना कोई मेरे लिए बजाएगा मेरी याद में. कि लोगों के जहन में यही होगा कि अर्जिया दे रहा है दिल आओ. ये इट्स, आई थिंक इट्स द बेस्ट सॉन्ग आई हैव हर्ड इन अ लॉन्ग 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 टाइम एंड आई फील ब्लेस्ड टू हैव बीन पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग एंड ऑफ कोर्स दिस फिल्म. तो थैंक यू दिया, शांतनु, स्वानंद एंड एवरी वन हु गेव मी दिस सॉन्ग. सही है कि मैं मुगलपुरा की हूँ पर फिलहाल मैं मुंबई आई हुई हूँ और मेरी फितरत है जासूसी करना. मैं यहाँ फिल्म प्रमोशन के लिए आई पर जासूसी फितरत है आलोक तो मैं यहाँ पे भी काम शुरू कर दी. सही सुने आप अब मैं बॉलीवुड पे जासूसी करने वाली हूँ. बॉबी अब बॉलीवुड पे जासूसी करेंगी और मैं आप सब लोगों के लिए अंग्रेजी भी सीख के आ गई. वो क्या है ना, रिलायंस के लोग सब लिख के देते क्या बोलना कैसे बोलना. सो दिस इज अ लॉन्च ऑफ आवर ब्लॉग एंड द आइडिया इज टू हैव लॉट्स ऑफ फन. देयर इज नथिंग पर्सनल अबाउट इट. हाँ, बिना नाम लिए कुछ भी पर्सनल होता नहीं है वैसे भी. पर ये छोटे छोटे जो किस्से हम आपके साथ शेयर करेंगे वो बहुत ही हार्मलेस हैं पर सुनने में आया, सुनने में आया बॉबी के, तो वो आप सबको बताएगी.
तो मैं पहला ब्लॉग आपके लिए पढ़ने वाली हूं। A dynamic producer who enjoyed three back-to-back hits this year and who gave a mounted launch to an industry kid recently has been going to great lengths to hide the date on which his next project is going on floors. There's been a lot of speculation around it as it's one of the most awaited releases of next year. And for this project, the producer has paired up with a director who's worked on some very popular and loved projects. This project will be their second collaboration together, and this time they're bringing together a jodi who has delivered a super hit film last year and who were a real life couple a few years ago. The date may be hidden from the rest of the world, but Bobby ko sab maloom. Bobby apne jyotishi avatar mein announce karti hai ki this producer considers 9 his lucky number, and that is exactly the when the much awaited film goes on floors, 9th July. अब नाम नको पूछो, बॉबी क्लाइंट और टारगेट का नाम फ्री में नहीं बताती। समझने वाली को इशारा ही काफी है, क्या समझे? हाँ, कुछ समझे? समझ गए? मेरे को कुछ सुनने में नहीं आ रहा। ऐसा क्यों? आप गेस करते रहो, मैं हर दूसरे दिन आपके तरफ ऐसे कुछ किस्से भेजती रहूंगी। इस्तेमाल करना है तो कर सकते हैं, लेकिन बॉबी से सवाल नहीं कर सकते। The floor is open to Q&A now, so please feel free to ask questions. Thank you. सबका पोल खोलने वाली हूँ, इसमें मीडिया भी शामिल है। अब पूछो। in the poster itself, we can just get to see that her different 7 faces. I think she is like 7 wonder to Bollywood. So when you just got to know that she has been bugged by this keeda of jasusi. देखो, मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ, समझे ना? तो मेरे को सुनने में आया कि एक लड़की है बॉबी, उसको जो है जासूसी का बहुत कीड़ा है। उसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी, तो मैं सोची कि कौन कर सकता इस लड़की को परफेक्टली रिप्रेजेंट, और आपने खुद कह दिया कि विद्या बालन 7th वंडर ऑफ बॉलीवुड हैं। तो हम पहुँच गए उनके पास बॉबी का किरदार निभाने, और बेहद खुश हैं कि उन्होंने ये किरदार निभाया, क्योंकि ये सिर्फ डिस्गाइज़ेस नहीं है, ये एक एहसास है उनके एक्टिंग प्रावेस का। क्योंकि रूप तो हम सब ढाल सकते हैं, पर वो बन जाना उस वक्त के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और मज़ेदार बात ये है कि पहले दिन हम जब शूट कर रहे थे, तो भिखारी बनकर विद्या बालन जी हैदराबाद के सड़कों पर बैठ गई थी भीख मांगने के लिए असली भिखारियों के साथ। किसी को पता तक नहीं चला कि ये खुद विद्या बालन है भिखारी के अवतार में। और जब एक लेडी गुजर रही थी और इन्होंने उनको हाथ लगा के बोला अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, तो इस औरत ने इनको पलट के खूब डांट लगाई, कहा शर्म नहीं आती, तुम्हारे हाथ पैर तो ठीक लग रहे हैं, तुम भीख मांग रही हो। सो दैट वाज अ ग्रेट साइन कि ये जो भी करती है ना, बहुत अच्छी तरह से करती है। विद्या, थैंक यू। विद्या, हाय। हाय। इन 7 अलग अलग रूप में सबसे अच्छा रूप आपको कौन सा लगा और सबसे मुश्किल कौन सा था? सबसे मुश्किल मेरे ख्याल से वो वाला मौलवी का, जिसमें मेरे नाक के अंदर नली जैसा कुछ घुसाया था उन्होंने, ताकि नाक चौड़ी लगे। तो और उसमें भागना बहुत था मुझे,
इस डिस्गाइज में, तो मुझे लगता था कि भागते वक्त वो कहीं सांस लेते वक्त वो अंदर चला जाएगा, वो सिर्फ वहम था मेरा। तो हर बार जब मैं शॉट शुरू करती थी तो लगता था कि कहीं अंदर तो नहीं जा रहा तो पर उसके अलावा मैं नहीं कहूंगी कि किसी भी तरह की मुश्किलात हुई, सभी में बड़ा मजा आया। एक और है ज्योतिषी का, जो इस पोस्टर पे नहीं है, उसमें मैंने बहुत गंदे दांत पहने हैं, एक आधा गंजा विग और चेहरे पे थोड़े थोड़े बाल लगा लिए, तो उसमें बहुत चिपचिप महसूस हुआ मुझे। पर हर डिस्गाइज में मजा आया क्योंकि हर डिस्गाइज अलग था मेरे लिए। जब मैं अपने आप को देखती थी आईने में तो लगता था कि अरे ये कुछ और कर गए हम लोग, और फिर खुद ब खुद मेरी आवाज बदल जाती और फिर वो चलने वलने का ढंग बदल जाता। तो एक एक्टर के लिए ये बहुत मजेदार होता है कि रोज कुछ नया। वन मोर एडिशन टू द मौलवी डिस्गाइज, ये जब तैयार हो गई थी इनको भागना बहुत था वो सीक्वेंस में, और समर शेख जो हमारे डायरेक्टर है वो हमेशा कहते थे कि देखो जब तुम भागोगी लड़कियों जैसे नहीं भागना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लड़की हो। तो विद्या वहां खड़ी है, अब मैं लड़के जैसे कैसे भागू, बट शी इज अचीव्ड इट एंड इट्स क्वाइट कन्विंसिंग व्हेन यू सी द फिल्म यू विल नो। विद्या यहाँ बॉबी को तो सब मालूम है, बॉबी का गॉसिप ब्लॉग है, लेकिन अगर विद्या से पूछा जाए कि बॉलीवुड की गॉसिप्स में कितना इंटरेस्ट होता है और हर रोज सुबह उठ के क्या पेपर्स में पढ़ती हैं और इंटरेस्ट लेती हैं? विद्या तो नहीं पढ़ती पर बॉबी को सब मालूम इसलिए बॉबी सब पढ़ती है, सबकी खबर रखती है और बॉबी तक सारी खबरें पहुंच जाती हैं। और अभी तो बॉबी के हाथ बड़े लंबे हो चुके हैं तो खबरें उन तक पहुंच जाती है। विद्या हाय। हाय। बॉबी से सवाल है ये मेरा कि जी अभिषेक, बॉबी से एक सवाल है कि एक हीरोइन है बॉलीवुड में जिनकी जब शादी होने वाली थी तो उन्होंने किसी को बताया नहीं, मीडिया को बहुत चकमा दिया, बाद में पकड़ी गई कि एक वेन्यू से दूसरे वेन्यू में शादी कर रही है वो, और अभी वो हीरोइन के ऊपर बहुत ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट है, तो बॉबी कितनी सच है ये बात? कि कौन सी बात सच है? हाँ बॉबी की तो अब तक शादी ही नहीं हुई। बॉबी की? हाँ तो मैं किसी और हीरोइन के बारे में पूछ रहा हूँ बॉबी से। हाँ मुझे असाइनमेंट दिया गया है, ये बिल्कुल सच नहीं है। क्या आपको उन्हें देख के लगता है कि वो प्रेग्नेंट है? मैं हजार बार कह चुकी हूँ कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। बॉबी अब आखिरी बार कह रही है कि जब वो प्रेग्नेंट होंगी तो वो ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या ही नहीं। विद्या वो एक्ट्रेस जब प्रेग्नेंट होंगी, बॉबी कह रही है। अच्छा मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने मुझे। ये रूमर शुरू हुआ कुछ 6 महीने पहले है ना, तो अगर सच्चाई होती तो कुछ तो दिखता कि नहीं? हाँ तो अरे क्या मतलब, जो आंखों को दिख जाता है उसमें कंफर्म करने की क्या जरूरत। अच्छा एट द सेम टाइम अब सब कंफ्यूज हो रहे हैं। वैसे जलने की बू आ रही है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आ रही, मेरा नाक बंद है। पर फर्क नहीं पड़ता कि किसने उड़ाया, वो बॉबी को तो सब कुछ मालूम है, तो वो उसे ये भी मालूम है कि खबरें कहाँ से शुरू होती है, पर विद्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विद्या बहुत बड़ी दिल है और बॉबी भी बहुत बड़ी दिल है। सर्टेनली विद्या, रूना न्यूज नेशन से, फैमिली और सात रूप और फिल्में ये सब चीजों में 24 घंटा आप बिजी रहती होंगी, तो 25वां घंटा कैसे निकालती हैं अपने आप को फिट बनाए रखने के लिए, या फिर हाउ डू यू मैनेज विद द टाइम? टाइम, आई ऑलवेज फाइंड टाइम टू डू थिंग्स दैट आई वांट टू डू। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम मैनेजमेंट। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि सचमुच दिन में समय कम पड़ जाता है। मैंने बहुत विख्यात बोलते हैं ना लोगों को, लोगों के इंटरव्यूज पढ़े हैं जहाँ कहा है कि नहीं, इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, यू नो यू जस्ट एलोकेट टाइम। और मुझे लगता था कि अरे वाह कैसे करते हैं, पर एक्चुअली जब आप कुछ चाहो करना तो आप जरूर कर पाएंगे। और अगर एक आध दिन नहीं कर पाए कोई चीज, आई एम नॉट यू नो हार्ड ऑन माई सेल्फ,
मैं इंसान हूँ, मेरे से नहीं होता कभी. एक और सवाल बॉबी जासूस, क्योंकि एक जासूसी वाला बात है इसलिए पूछना चाह रही हूँ. उत्तराखंड में न्यूज नेशन ने एक स्पेशल रिपोर्ट की है. उत्तराखंड में जो सरकार ने कहा था कि जितने भी मृत लोग हैं उनकी अंत्येष्टि कर दी गई है, लेकिन हमारी एक खोजी रिपोर्टर और खोजी रिपोर्ट की जो टीम थी उन लोगों ने फाइंड आउट किया है कि ऐसा नहीं है, बहुत सारी लाशें अभी भी पड़ी हैं. तो एज अ सेलिब्रिटी आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये एक चीटिंग हुआ है दर्शकों से, माफ कीजिए, क्या ये चीटिंग हुआ है देशवासियों से? नहीं, मैं कहूंगी कि पहले तो पूरी तरह से जांच करनी चाहिए. No, we have visuals of it. जो हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि ये लाशें हैं. जी, एक साल बाद मिले हैं. एक साल बाद? हाँ, वहाँ की बर्फ और गंदगी अब थोड़ी सी कम होने लगी है, तो लाशें दिखने लगी हैं सड़ी गली हालत में, जो हम ऑन एयर नहीं दिखा सकते हैं. I think that's unfair. It's very disturbing to know that, you know, कितने लोगों के फैमिली मेंबर्स होंगे उसमें. तो एटलीस्ट फैमिली मेंबर्स शुड हैव द राइट टू नो द ट्रूथ. एवरी वन डिजर्व्स टू नो द ट्रूथ, बट आई थिंक इट्स वेरी डिस्टर्बिंग. लाइक शी सेड, बिल्कुल, आई एम नॉट ट्राइंग टू गिव एनीबडी क्रेडिट इन दिस और जस्टिफाई योर डिस्कवरी. इट्स वेरी वेरी डिस्टर्बिंग एंड सैड. लेकिन ये जो टेरेन्स हैं वो बहुत ही मुश्किल टेरेन्स हैं, और जब तक ऑब्वियसली बर्फ जमा था, मुश्किल बहुत हुआ होगा. आई हैव सीन रेस्क्यू ग्रुप्स वर्किंग इन दोज टेरेन्स एंड वी हैव ऑल विटनेस्ड हाउ डिफिकल्ट इट वाज. अनफॉर्चुनेटली ये एरियाज में डेवलपमेंट जितना हो सकता था होना चाहिए आज तक नहीं हुआ है, एंड दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ व्हाट यू हैव डिस्कवर्ड टुडे. एंड इट शुड बी एन अलार्म फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री टू रियलाइज दैट we cannot remain as underdeveloped as we are. We have to improve our infrastructure, and that's the only way we will be able to rescue, help, operate such missions when they need to be done. Thank you. Bobby ka next target kaun hone wala hai blog pe? Parso pata chalega. डर लग रहा है. अगर अच्छी स्क्रिप्ट मिली जहां दोनों एक्टर्स का प्रेजेंस जस्टिफाई होता है तो बेशक, पर अगर ऐसी फिल्म होगी जहां मेरे लिए कुछ करने को नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगी. हमेशा नहीं पर ज्यादातर. विद्या इंडिया, परसों फादर्स डे है, एनी मेमोरीज विच यू कैन शेयर विद अस? आई हैव अ लाइफटाइम ऑफ मेमोरीज, बट हैप्पी फादर्स डे टू एवरी फादर, टू एवरी फादर टू बी. आई नो दैट आई फील एक्सट्रीमली ब्लेस्ड एंड लकी. आई वॉन्ट टू से दिस दैट I know every girl's father is special, every child's father is special, but I would wish every girl a father like mine. Every girl in the country who's wanting to live her dreams, who's wanting to chart out her own course, because my father has always, always unconditionally loved and supported me, and I am who I am. Love me. Yes, of course. I am who I am because of my parents and my family. हाँ, अभी मैं आपको बता दूं तो फिर जासूस का क्या काम रहेगा. आप किसी और के कमरे की बात कीजिए ना, आपके कमरे से क्या मिल सकता है? हाँ? सुमन नहीं, सुमन आप वही कहिए ना कि अगर बॉबी जासूस को भेजोगे तो पता चलेगा. हाँ, पर मुझे नहीं लग रहा ऐसा कुछ. नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उसके लिए आपको वहां पहुंचना पड़ेगा.
विद्या हाय, दिस इज ईशान. विद्या, जिस तरीके से अभी फिल्म का पोस्टर देखा, लुक देखा, कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि विद्या आजकल वही फिल्में सेलेक्ट करी जो कि जिसमें हीरोइन का ज्यादा काम हो या फिर हीरोइन ओरिएंटेड फिल्में ज्यादा पसंद करी. तभी शायद पोस्टर से भी अली कुछ गायब गायब दिख रहे हैं, दिख नहीं रहे मुझे तो कहीं भीड़ में भी इस पोस्टर में. क्योंकि एक्चुअली कहानी सवाल का जवाब दिया देंगी. फिल्म का नाम क्या है? बॉबी जासूस. कहानी किसकी है? बॉबी की, लेकिन पोस्टर में रहता है. तो जब कोई कहानी में हर किरदार का एक इक्वल हिस्सा होता है तब आप सबको पोस्टर पे देखते हैं. द ड्राइविंग फोर्स ऑफ बॉबी जासूस, द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ बॉबी ऑफ द फिल्म इज विद्या. सो नेचुरली यू विल सी हर ऑन द पोस्टर. हैविंग सेड दैट, जो भी इस फिल्म का हिस्सा है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है और किसी को भी निग्लेक्ट नहीं किया जाएगा या एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा. तसव्वुर बॉबी के क्लाइंट है फिल्म में और बहुत इंटरेस्टिंग रिश्ता है ये. एक एक जर्नी है, एक एक्सप्लोरेशन है. गाना तो धमाकेदार है ही, इतना खूबसूरत गाना मिला है दोनों को. बट द ड्राइविंग कम्युनिकेशन ऑफ द फिल्म इज बॉबी. एंड वी आर वेरी क्लियर एट रिलायंस एट एंड एट बॉनफ्री दैट लोग फिल्म देखने आएंगे बॉबी के लिए और फिर सबको सराहेंगे, सबको प्यार देंगे और सबको प्यार मिलेगा. विद्या, जहां तक बॉलीवुड की बात करें तो हर हीरोइन का एक सपना होता है, जैसा कि मेरे फ्रेंड्स ने पूछा कि खान्स के संग काम करने का. क्या विद्या शायद इसीलिए बच रही है अब तक, खान्स को वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है काम करने की, क्योंकि उनकी फिल्मों में ज्यादातर उनके ऊपर आधारित रहती है फिल्में, इसकी वजह से? मुझे अच्छी स्क्रिप्ट मिल रही है जहाँ मेरे लिए इतना कुछ करने को है, मैं किसी और के बारे में नहीं सोचती, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ. अगर इंडस्ट्री में मौका मिले जासूसी का तो बॉबी किसकी जासूसी अभी करना चाहेगी? यू हैव टू नेम मिस्टर बच्चन, बिकॉज हाँ, वो ऑरा ऑफ मिस्ट्री जो उन्होंने बनाए रखा है आफ्टर बीइंग इन फिल्म्स फॉर 40 ऑड इयर्स, उनके हर अदा से हम वाकिफ हैं, फिर भी उनके बारे में कितना कुछ नहीं जानते. तो आई लव to do jasusi on Mr. Bachchan. Vidya, aapse sawal hai ki tasavvur kya hota hai exactly? Tasavvur Ali ka naam hai. To wo tasavvur Urdu mein koi particular kis cheez ko kehte hain kuch? Tasavvur, aap bataiye. Aapse janna chah raha tha. Love. Oh, like that. Patience, love, the indulgence. I thought tasavvur matlab, so I said Ali. दूसरा सवाल, ये जो पोस्टर है पीछे, इसमें कोई रियल लाइफ के भी किरदार हैं क्या जिनको आपने निभाया है इंडस्ट्री के? नहीं नहीं, इंडस्ट्री के नहीं, पर इन लोगों को आपने निजी जिंदगी में जरूर देखा है. भिखारी को देखा है, प्यून को देखा है, किसी इस तरह के प्रोड्यूसर को देखा है. उसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मैं पढ़ सकती हूँ आपका दिमाग. ये जो डिस्गाइजेस हैं इन्हें क्रिएट किए हैं थिया ने और विद्याधर भट्टे जी ने, जिन्होंने स्पेशल मेकअप किया, और ये उनके जहन का, उनके इमेजिनेशन का एक मिलाव है, जुगाड़ है, एक एक इन्वेंशन है. एंड इट वाज रियली एक्साइटिंग टू सी हाउ इट वुड ऑल कम टुगेदर. सो ऑनेस्टली इट्स नॉट बेस्ड ऑन एनीबॉडी. आई नो दैट देयर आर पीपल हु आर ट्राइंग टू पुल रेफरेंसेस, बट ऐसे तो हमने कभी नहीं सोचा. नहीं, सवाल मेरा दिवित दिया आपसे एक और था कि जब भी जासूसी पे फिल्में बनती हैं उसमें लव स्टोरी भी आप दिखाते हैं, गाने भी आते हैं, और वो जासूसी करता हुआ बंदा या बंदी भी होता है, तो स्टोरी कभी कभी ड्रैग करती जाती है और मतलब एक पॉइंट के बाद इंटरेस्ट कम होता जाता है, तो इन चीजों का कैसे ख्याल रखा गया है पूरी शूटिंग के दौरान? इन चीजों का ख्याल लिखने के दौरान रखा जाता है. ये एक होलसम स्क्रिप्ट है, इसीलिए हमने इसे बनाया, इसीलिए सबने जिन्होंने इस फिल्म पे काम किया है उस एंथुजियाज्म और एनर्जी के साथ काम किया है, क्योंकि ये एक बहुत ही टॉट, बहुत क्रिस्प, बहुत ही एनर्जेटिक स्क्रिप्ट है. बॉबी जासूस बनना चाहती है, उसके साथ साथ वो क्या क्या डिस्कवर करती है, उसके मोहल्ले के लोग कैसे हैं, हर इट्स अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी, इट्स अबाउट हर बिकमिंग अ जासूस. तो यस, द बैकबोन इज जासूसी, बट अलोंगसाइड दैट
you will experience different aspects of her life and discover different truths about her that something she also didn't know at some level. So it's a family entertainer. It's a vibrant, colorful, happy, warm film. And I'd be very, very, very surprised if you get bored. It's just 2 hours and 4 minutes. We'll take the last two questions. Last two questions. At the same time, Vidya, आपसे ये नहीं नहीं ऐसा नहीं होता नहीं तो डर्टी पिक्चर के बाद आप कहेंगे कि आइटम नंबर का शौक तो नहीं लग गया तो इस तरह से नहीं होता नहीं जासूसी का शौक नहीं लगा पर आई थिंक हम इंसानों में कहीं ना कहीं जासूसी का एक कीड़ा होता है सबके बारे में पता करना अपने बाजू वाले के बारे में कहीं अपने दोस्तों के बारे में हाँ मेरे बारे में उनको करनी नहीं पड़ती है मैं उनको सब बोल देती हूँ नहीं मैं आइटम नंबर्स एंजॉय नहीं करती नहीं ओके विद्या यहाँ पर ये जानना चाहूंगी रूना न्यूज में जी आपसे ये जानना चाहूंगी रियल लाइफ में कभी किसी को जासूसी करते हुए देखा या फिर इंस्पायर हुए या फिर पढ़ाई करते दौरान कोई उपन्यास या फिर किसी जासूस को मेरी एक नेबर थी जो रोज दोपहर को अपने वेंटिलेटर के पास मतलब एक अपने दरवाजे के पास एक कुर्सी लगा लेती थी उस पर चढ़ के वेंटिलेटर के थ्रू सब देखती थी कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है क्योंकि दोपहर के वक्त सब सो रहे होते तो सडनली मुझे याद आया कि वो आंटी से कहीं ना कहीं वो उन्होंने मुझे ज़रूर इंस्पायर किया है वो सबकी खबर निकालती थी कौन कौन सा लड़का किस लड़की के पीछे जा रहा है हाँ किसके सास के साथ किसका झगड़ा हुआ या फिर किस मियाँ बीवी के बीच तकरार हुई ये सब वो पता करके सब में फैला देती थी और जब उनकी लड़की की बारी आई तब बॉबी काम आई या विद्या नजाकत लास्ट क्वेश्चन हां प्लीज विद्या नजाकत की बात हो रही थी थोड़ा भी जी आपकी नजाकत की बात हो रही थी पर्दे पर हमने देखा भी आपकी नजाकत जो है और आज आपकी आवाज भी काफी कशिश है ये तो फैन है आई लव हिम थैंक यू या विद्या जो है आपकी आवाज में काफी कशिश आ रही है बॉबी का कोई नया वेपन है तो इस नए वेपन को आप यूज करते हो शायरी आप फिर से बोलेंगे जो आपने मूवी में बोला था अर्जियां दे रहा है दिल आओ सुनो कुछ कह रहा है दिल आओ मौसी की एक नई सी जागी है फिर we'll have to play the song for them I think that's what should complete the thought yeah sorry I don't know the complete lyrics she did while we were shooting yeah no. she has to listen to it a lot more she's been busy promoting Bobby Jassoos Yeah, but thank you so much for thank asking. You. But there's a beautiful line in this. We discussed this yesterday, line. Which is "Marziyan mod kar chale aao." Swanand ne jo likha hai na. Thank you. Thank you. Thank you for joining us here today. Bobby kab release ho rahi hai? Bobby Jassoos kab release ho rahi hai? 4 July. Thank you.